पिछली बार कहां तक बात किया था वर्ल्ड हाँ वर्ल्ड का तो किया था वर्ल्ड के बारे में क्या बात है वर्ल्ड के बारे में क्या बात किया था वर्ल्ड कैसे बनता है वो देखा था सर हाँ और जब ऊपर ऊपर जाते हैं तो वर्ल्ड छोटा लगेगा हाँ ठीक है वर्ल्ड किस चीज से बना है कुछ आइटम आइटम और आइटम किस चीज से बना है जुला हाँ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन किस चीज से बना है कॉर्ड न्यूक्लियस प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस बनाता है साथ मिलकर ठीक है अच्छा तो बेसिकली अब आज हम वर्ल्ड की बात करेंगे ये क्या होता है एस्ट्रोनॉमी आकाश में जो भी है तारे प्लैनेट्स उनको उनका स्टडी है ना उनके बारे में जानना तो एस्ट्रोनॉमी बहुत पुराना एक तरह से साइंस है बहुत समय से चल रहा है आर्यभट्ट नाम का आदमी सुना है आपने आर्यभट्ट तो वो भी ये सब दिमाग लगा रहा था बहुत टाइम पहले तब टेलीस्कोप ये सब तो कुछ नहीं था वो रात को बैठ के बेचारा बस देखते रहता था अच्छा आज यहाँ पे ये तारा है आज कल यहाँ पर है अच्छा तो इसका मतलब शायद ये ऐसे चलते हैं क्योंकि तब कुछ टेलीस्कोप ये सब नहीं था ना तो इसके वजह से ठीक है फिर धीरे धीरे क्या वो और भी लोग पढ़ते गए इन चीजों के बारे में अराउंड 1600 साल में एक नाम था गैलीलियो हाँ नाम सुना हाँ तो उसने एक सबसे पहले एक छोटा सा टेलीस्कोप बनाया जिससे वो इधर उधर देख सकता था उसने तारे देखे उसने देखा कि जुपिटर जो प्लैनेट है उसके आसपास भी एक मून है ठीक है जो ऐसे चल रहा है उसके आसपास तो ये चीज बहुत जरूरी थी क्योंकि उससे पहले जैसे आपको पता है इस साल से अराउंड 1500 से पहले लोगों का मानना था कि पृथ्वी ऐसी है फ्लैट है ना कि अगर एक शिप में आप जाओगे ऐसे चलते जाओगे ये शिप है अगर चलते जाओगे तो एक दिन ऐसे गिर जाओगे ना हाँ गिर जाओगे क्या नहीं गिरोगे ना क्योंकि पृथ्वी तो हमको पता है गोल है लेकिन अभी क्योंकि आपके पास साइंस है आप लोग किताब किताब पढ़ के ऐसे पता है ना अगर आप 1500 साल में पैदा होते तब आपको भी लगता शायद पृथ्वी फ्लैट है क्योंकि देखने में तो फ्लैट ही लगती है ना हाँ तो तब का ये मानना था और क्योंकि बाइबल में भी लिखा है बाइबल में भी लिखा था कि तो तब बाइबल में लिखा था कि अर्थ पूरे यूनिवर्स का सेंटर है सेंटर समझते हैं ना बीच का पॉइंट क्योंकि तो तब लोगों का ये मानना था कि अर्थ बीच में है उसके आसपास सन घूमता है और बाकी प्लैनेट्स भी उसके आसपास घूमते हैं हर चीज अर्थ के आसपास घूमती है तब लोगों का ये मानना था ठीक है तो उसके बाद कुछ लोग आए जैसे कोपरनिकस और फिर आए गैलीलियो और केपलर ऐसे ऐसे साइंटिस्ट आए उन्होंने इस चीज को सुधारने की कोशिश की उन्होंने नहीं जैसे गैलीलियो ने टेलीस्कोप में देखा जुपिटर के आसपास भी मून है तो उसका मतलब ये था ना कि सब कुछ अर्थ के आसपास नहीं घूमता है तो धीरे धीरे फिर ये चीज हुआ लेकिन चर्च के साथ तब भी लड़ाई हुई क्योंकि कुछ भी अगर आप नया आइडिया लाते हैं तो लड़ा कुछ दोनों तरफ से वो होता है ना तो चर्च ने गैलीलियो को पनिशमेंट दी गैलीलियो को हाउस अरेस्ट दे दिया यानी वो अपने घर से बाहर नहीं निकल सकता था ये सब हुआ ठीक है लेकिन अंत में हमको अब पता है हम 500 साल बाद अब देख रहे गैलीलियो सही था ना पृथ्वी गोल है फ्लैट नहीं है तो ये जो पॉइंट है एक बहुत जरूरी पॉइंट है इंसान की हिस्ट्री में क्योंकि ये एक जो पहला पॉइंट था जब इससे पहले हमेशा कुछ भी आप देखो पहले पुराना जो आर्ट देखते हैं आप जो पेंटिंग्स बने सब रिलीजन से जुड़ी होती है ना भगवान का पेंटिंग बनाते हैं ये सब वैसी कहानियां भी पुरानी कहानियां रामायण महाभारत सब भगवान से जुड़ी हुई है अब मॉडर्न जमाने में क्या है लोगों के बारे में कहानियां आती है ना सब चीज भगवान से नहीं जुड़ा है तो ये 1500-1600 साल पहले एक बहुत जरूरी पॉइंट था बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ था कि साइंस ने धर्म के साथ लड़ाई की और साइंस अब हमको पता है कि साइंस सही था उस वक्त है ना और कि धर्म गलत था और ये चलते रहता है कभी धर्म आगे चल रहा है कभी साइंस आगे चल रहा है लेकिन ये एक बहुत जरूरी पॉइंट था ठीक है जब हमको लगा कि पृथ्वी गोल है तो ये चलते गया उसके बाद हम आते थोड़ा आगे फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 1990 एक पिछली बार आपको टेलीस्कोप का फोटो दिखाया था ना
हबल टेलीस्कोप। तो एक साइंटिस्ट था एडविन हबल, ठीक है। तो इससे पहले 1990 तक हमको लगता था, हमने टेलीस्कोप छोटा छोटा टेलीस्कोप देख के कुछ हमने देख लिया था, तो हमको लगता था जो आकाशगंगा का फोटो देखा था ना कि हमारा यूनिवर्स बस आकाशगंगा है, उसके आगे कुछ नहीं है, तब हमको ये लगता था। फिर एडविन हबल एक ऐसा आदमी था जिसने एक बड़ा टेलीस्कोप बनाया और उसने देखा कि नहीं, आकाशगंगा के आगे भी और भी तारे हैं, और भी गैलेक्सीज हैं, तो हमारे यूनिवर्स और बड़ा है, ठीक है। तो तब से फिर हमने धीरे धीरे रियलाइज किया कि यूनिवर्स क्या है, इन्फिनिट। इन्फिनिट मतलब इन्फिनिट, आई एन एफ आई एन आई टी ई, मतलब जिसका कोई अंत नहीं है, इतना बड़ा है यूनिवर्स ना। तो ये देख रहे हैं आप 1919, यानी अभी 100 साल भी नहीं हुए इस चीज को। 100 साल से पहले हमको लगता था यूनिवर्स हमारा छोटा सा है, लेकिन अब धीरे धीरे पता लग रहा है। ये वाला सिंगल वाला ये, हाँ, तो इन्फिनिट का कोई अर्थ नहीं है, ठीक है। लेकिन हमको पूरा यूनिवर्स नहीं दिखता, इन्फिनिट यूनिवर्स नहीं दिखता ना, कुछ एक हिस्सा है। जैसे अगर अर्थ है तो यूनिवर्स क्या है, पूरा इतना बड़ा है, पूरा रूम जितना है, लेकिन बस हमको इतना सा दिखता है। क्यों टेलीस्कोप छोटा है, हाँ वो भी एक है, लेकिन नहीं, वो भी बेसिकली कुछ भी चीज आपको क्यों दिखती है, मुझे राजू क्यों दिख रहा है अभी, या फिर ये बोर्ड क्यों दिख रहा है, पास में, ठीक है, लेकिन दिख क्यों रहा है, क्यों दिख रहा है, अन्वेषा, अन्वेषा है ना, हाँ अन्वेषा, तुमको जैसे ये राजू, ये क्या है सनातन, ये सब क्यों दिख रहे हैं आंखों से, ठीक है, आंखों से लाइट की वजह से, कुछ भी चीज क्यों दिखती है, सन जैसे यहाँ है, सन का लाइट आ रहा है, ठीक है, मेरे को अन्वेषा क्यों दिखती है, क्योंकि लाइट आ रही है, लाइट आ रहा है, ऐसे अन्वेषा पे लगता है, ऐसे लाइट सन का, और फिर मेरी आंखों तक पहुंचता है ना, कुछ भी चीज पे लगता है, फिर वापस रिफ्लेक्ट होकर मेरे पास आता है, इसलिए मुझे ये दिख रही है, ठीक है। बहुत सारा रेज आ रहा है, ऐसे लग रहा है, और मेरे पे आ रहा है तो मुझे दिख रहा है, वैसे तुम पे आ रहा है मुझे दिख रहा है, तो लाइट की वजह से सब कुछ दिखता है, ठीक है। लेकिन लाइट भी हालांकि सबसे तेज चीज है हमारे यूनिवर्स में, लाइट से तेज कुछ नहीं चलता। लाइट का स्पीड कितना है, 3 लाख से थोड़ा, 30 लाख, 300 मिलियन मीटर पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में लाइट इतना मीटर दूर कर पार कर लेता है ना, और ये वैक्यूम में है जब खाली होता है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि ये, हाँ सन से बात करते हैं, सन है और उसे कितना दूर है, अराउंड 150 मिलियन किलोमीटर, ठीक है। तो अब आपके पास अगर डिस्टेंस है और स्पीड है, तो टाइम अगर निकालना है कि सन के लाइट को हम तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है, कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या है, ये पढ़ा है तुम लोग क्लास 9 में, तुमको पता है, 8 मिनट वो, क्योंकि पहले हमने किया था एक्सरसाइज, है ना, हाँ ठीक है। चलो वी इक्वल एस बाय टी, ये फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड किसी भी चीज का, गाड़ी का स्पीड मेजर करना है, कैसे करते हैं, अगर यहां से ये अगर 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है, गाड़ी यहां से चल रही है, तो उसका स्पीड अगर नापना है तो बोलेंगे कि 1 किलोमीटर यहां से यहां पहुंचने में उसको कितना टाइम लगता है, मान लीजिए 10 सेकेंड लगता है, 10 सेकेंड और 1 किलोमीटर, तो कितना हुआ स्पीड इसका, 0.1 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि हर सेकेंड में ये 0.1 किलोमीटर पार करता है ना, ठीक है। तो आपको पता है 8 मिनट का मतलब क्या है, अगर सन के लाइट वहां तक पहुंचने में 8 मिनट लगता है, इसका मतलब क्या है, कि जो अभी आप सन देख रहे हैं वो 8 मिनट पुराना है, ठीक है, समझ गए। जैसे अगर राजू सन है, तो अगर राजू अभी यहां पे खड़ा है, मान लीजिए 8 मिनट बाद का मुझे, 8 मिनट पहले का राजू दिख रहा है, हो सकता है अगर जो मुझे राजू अभी बाहर चला गया, लेकिन मुझे अभी भी राजू यही दिखेगा, क्योंकि 8 मिनट पहले का लाइट, पुराना लाइट पहुंच रहा है ना। तो कल को अगर बेसिकली सन फट जाता है, किसी चीज से टकरा के खत्म हो जाता है, हमको क्या है 8 मिनट बाद पता लगेगा, 8 मिनट तक हमको सन ऐसे ही दिखेगा जैसा अभी तक है, क्योंकि उसका लाइट पहुंचने में 8 मिनट लग रहा है, ठीक है।
अब वैसे ही कुछ कुछ तारे हमसे इतना दूर हैं कि उनके लाइट को सोचिए 2 साल लग जाता है पहुंचने में, ठीक है, इतना दूर है वो हमसे। तो इसका मतलब क्या हुआ, वही कि 2 साल पुराना लाइट हम तक पहुंच रहा है सन, जो अगर वो तारा अभी फट भी गया है तो हमको 2 साल बाद पता लगेगा, ठीक है। अब ऐसे ही थोड़ा आगे चलते हैं, कुछ कुछ तारे हैं जो हमसे इतना दूर है, अर्थ अगर यहाँ है, सन यहाँ है, 8 मिनट लगता है लाइट को पहुंचने में, एक तारा यहाँ है इसके लाइट को लगता है 1 ईयर, तो सोचिए कोई तारा इतना दूर है कि रूम से भी बाहर है, ठीक है, और है ऐसे तारे बहुत दूर है, उसके लाइट को हम तक पहुंचने में इतना टाइम लग जाता है कि 5 बिलियन ईयर्स। 5 बिलियन ईयर्स कितना होता है, 9 zeros ना basically, तो इतना टाइम लग जाता है। और अर्थ का एज मैंने आपको बताया था कितना है, 4.6 × 10⁻¹⁹ अपने आप से तुक्का मारते रहते, गेस करते रहता है, 9, यानी 4 बिलियन पुराना अर्थ है ना। तो अगर इस लाइट को, इस तार के लाइट को 5 बिलियन साल लग रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि अभी तक ये तार हमको दिखे गए नहीं, क्योंकि हम तो बस इतना साल पहले आए हैं ना, 4 बिलियन साल पहले अगर अर्थ का जन्म हुआ है और किसी तारे को 5 बिलियन साल लगता है, तो यानी अभी तक वो हमको दिखेगा नहीं। तो बेसिकली हमको बस मान लीजिए अर्थ से बस इतना यूनिवर्स दिख रहा है, जो भी इस यूनिवर्स के बाहर है वो हमको नहीं दिखेगा, क्यों, क्यों, क्योंकि उसका लाइट हम तक नहीं पहुंच रहा है ना, सिंपल सी बात है। तो इसीलिए यूनिवर्स जो है हमारा बहुत बड़ा है, ठीक है, बस हमको दिखता नहीं है पूरा, क्योंकि लाइट को भी बहुत टाइम लग जाता है। ऐसे कई तारे इतना दूर है कि उनके लाइट को पहुंचने में 100 बिलियन साल लग सकते हैं, ठीक है, कितना भी लग सकता है, इतना दूर है, ठीक है। अब एक आलोक वर्ष का बात करते हैं, आलोक वर्ष क्या होता है, आलोक वर्ष के बारे में पिछले बार बात किया था, लाइट ईयर डिस्कस किया था पूरा, क्या होता है बताओ, क्या होता है, हाँ आलोक वर्ष क्या होता है लड़कियों, क्या होता है उड़ी वर्ष से आलोक वर्ष के होती है, हाँ एक वर्ष में एक साल में लाइट कितनी दूरता पार करती है, ये मतलब है इसका, यानी कि लाइट को एक साल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर सकते, लाइट का स्पीड पता है आपको 300 मिलियन मीटर पर सेकेंड, टाइम पता है एक साल, तो यानी एक साल में लाइट उतने स्पीड में कितना डिस्टेंस, डिस्टेंस यानी दूरता है ना। तो बेसिकली यहाँ पे ऑलरेडी लिखा होता है एक लाइट ईयर कितना होता है, कितना किलोमीटर, 9 trillion 12 zeros है ना, 9 trillion kilometer एक लाइट ईयर, यानी कि एक साल में लाइट इतना किलोमीटर पार कर लेता है, ठीक है। और ये लाइट ईयर हम क्यों करते हैं, क्योंकि जैसे यहाँ पे तो ब्रह्मपुर कितना दूर है, 17-20 किलोमीटर, ठीक है, जो भी कुछ आप अगर पंजाब मान लो कुछ 1500 किलोमीटर होगा, हिमाचल 2000 किलोमीटर होगा मेरा घर यहाँ से, ठीक है, लेकिन स्पेस में किलोमीटर में तो आप देखिए, अगर किलोमीटर में आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपका पूरा पेज ही भर जाएगा ना, आफ्टर वाइल आप बस जीरो लगाते रह जाओगे। तो इसलिए हम स्पेस में अगर डिस्टेंस मापनी हो तो हम लाइट ईयर्स में करते हैं, ठीक है, कि जैसे ये तारा हमसे, अगर एक तारा यहाँ इतना दूर है तो हम बोलेंगे ये 10 लाइट ईयर हमसे दूर है, इसका डिस्टेंस 10 लाइट ईयर है, ये नहीं बोलेंगे कि इसका डिस्टेंस 9000000000×10 किलोमीटर है, ये नहीं बोलेंगे, सीधा बोलेंगे 10 लाइट ईयर है, ठीक है, क्योंकि आसान हो जाता है मेजर करने में ना। तो ये आलोक वर्ष समझ में आ गया, अब अगर ये आलोक वर्ष है तो लाइट ईयर ये है, तो लाइट सेकेंड क्या होगा, वही कॉन्सेप्ट है, लाइट सेकेंड क्या होगा, लाइट सेकेंड या लाइट मिनट क्या होगा, लाइट ईयर अगर तुमको समझ में आ गया तो लाइट मिनट या फिर लाइट सेकेंड क्या होगा, थोड़ा दिमाग पे स्ट्रेस लगाओ, थोड़ा सोच लो, कुछ
कुछ नहीं होगा दिमाग यूज करने से खत्म नहीं हो जाएगा बताओ जब तक तुम नहीं बताओगे ये चीज हम आगे नहीं बढ़ेंगे बहुत सिंपल चीज है लाइट ईयर तुम लोगों को समझ में आ गया ना तो लाइट मिनट क्या होगा या फिर लाइट सेकंड क्या होगा लाइट सेकंड का संख्या क्या होगा बबीता लींदा क्या होगा बताओ अरे यार लाइट ईयर एक साल में लाइट कितना दूर तक पार करती है वो लाइट ईयर है तो लाइट सेकंड क्या होगा एक सेकंड हाँ एक सेकंड में इतना सिंपल है तो बोलते क्यों नहीं हो तुम लोग एक सेकंड में लाइट कितना दूर तक पार करेगी ठीक है बस ठीक है हाँ अब एक वीडियो देखते उससे थोड़ा आपको पता लगेगा कि ये शायद वीडियो दिखाया था मैंने आपको कि जिसमें दिखाते बहुत बड़ा बड़ा हो गया था सब कुछ नहीं दिखाया था नहीं क्योंकि नहीं, नहीं तो कुछ और वीडियो दिखाऊंगा रिपीट नहीं होना चाहिए बता देना अगर ये वीडियो दिखाऊंगा ठीक है क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है अभी आप लोग के चार ग्रुप्स है ना तो मैं भी थोड़ा कंफ्यूज रह जाता हूँ कि किस ग्रुप के साथ क्या बात किया है हाँ ये शायद नहीं देखा देखा था ये हाँ ठीक है ये अर्थ है किसका है ये सोलर सिस्टम सबको दिख रहा है ये सोलर सिस्टम ये मून है ये अर्थ है इतना दूर नहीं लग रहा है लेकिन इतना बड़ा है कि सारे प्लैनेट्स अर्थ और मून के बीच में फिट हो जाएगा इतना दूर है और ये दूरी कितना है वन लाइट सेकंड अर्थ और मून के बीच में वन लाइट सेकंड यानी लाइट सेकंड क्या अभी बात किया था क्या होता है ऐसे देख रही है क्या होता है ये बोलेगी हाँ बोल वैसे इतना बोलती है बच्चे बच्चे बहुत बोलती है बोलो क्या होता है लाइट सेकंड हाँ हाँ लाइट जितना दूर का पार करते एकदम तो वन लाइट सेकंड के दूरी में सब प्लैनेट्स फिट हो जाएगा ठीक है इतना बड़ा है और तब भी कुछ 5000 किलोमीटर रह जाएगा जो आप सबसे पीछे बैठे आपको दिख रहा है आगे आ सकते हो अरे तुम तो लंबे दिख रहा ठीक है जुपिटर में ये एक छोटा सा पॉइंट है वो इतना बड़ा असल में कि नॉर्थ अमेरिका जितना है सैटर्न का रिंग इतना बड़ा है कि 6 अर्थ फिट हो जाएंगे उसमें और ये हमारा सन है अर्थ देखो इतना सा दिख भी नहीं रहा इतना छोटा है अर्थ सन के मुकाबले ये मून से हमको अर्थ ऐसा दिखता है जैसे अर्थ से मून दिखता है ना वैसे मार्स से अर्थ इतना छोटा दिखता है कुछ 4 बिलियन माइल से हमको इतना छोटा दिख रहा है ये सब कितना टेलीस्कोप से फोटोज लिया ठीक है अब ठीक है छोटा है ना बहुत अर्थ बहुत बड़ा है लेकिन सन सन भी एक ही तारा है ना बहुत तारों में से इतने बड़े तारे कि उनके सामने सन इतना छोटा लगता है वैसे और तारे दिखेंगे जिसके सामने और भी वो तारा इतना छोटा है वो तारा देखने इतना छोटा सन दिख भी नहीं रहा इतना छोटा है अब गैलेक्सी को देखेंगे सन का कितना है कितना डायमीटर कितना है इतना 1.4 मिलियन किलोमीटर दूर है इतना बड़ा ठीक है अब हम क्या है गैलेक्सी पे आकाश गंगा ठीक है इसका डायमीटर कितना है 1 लाख लाइट ईयर 1 लाख इंटू जो नंबर वहां लिखा था 9 ट्रिलियन उतना किलोमीटर है ये यहां से यहां ठीक है समझ गए इतना बड़ा है आकाश गंगा इसमें से एक छोटा सा सन यहां कहीं है एक छोटा सा तारा इतने तारों में से एक छोटा सा तारा हाँ इतना किलोमीटर बड़ा है ये यहां पर छोटा सा सन इधर और ये जो एक छोटा सा इतना ही जो ये सर्कल दिख रहा है छोटा सा यहां आपको जब ऊपर आप आकाश
से देख रहे हैं ना, जो तारे देख रहे हैं वो बस इस छोटे से सर्कल से है, इससे बाहर का आपको कुछ नहीं दिखता है, इतना जो बाकी का बड़ा है गैलेक्सी कुछ नहीं दिख रहा है, बस इतना सा दिख रहा है आपको। अब वैसे और गैलेक्सी देखेंगे, ये गैलेक्सी जो पास का इतना बड़ा है कि मिल्की वे इतना छोटा लग रहा है उसके साथ में। सोचो उस गैलेक्सी में क्या क्या होगा, और ये सब अब तारे नहीं है, ठीक है, ये हबल टेलीस्कोप ने फोटो लिया है, ये वाला भी पहले भी देखा आपने, ये सब गैलेक्सीज है, तारे नहीं है, एक एक गैलेक्सी के अंदर करोड़ों बिलियन जो स्टार्स है और हर स्टार के आसपास प्लैनेट्स हैं, और ये बस इतने से स्काई में दिखा है आपको जो फोटो था। दूर जा रहे सोलर सिस्टम, तारे, गैलेक्सी और भी गैलेक्सीज, गैलेक्सी सब जुड़ गए हैं, सब जुड़ गया है, तारे दिख रहे हैं, और ये ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स जिसका हमने बात किया, इसके बाहर के तारों का लाइट हम तक पहुंचेगा ही नहीं, तो इसके आगे हमको कुछ नहीं दिखता है, ठीक है। तो इससे आपको थोड़ा डिस्टेंस का पता लगा कि कितना बड़ा है सब कुछ, है ना। अच्छा, और कितना भी 20 मिनट और है तो ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं ग्रेविटी, उसको छोड़ दो, मैं ये बोल देता हूँ मध्याकर्षण क्या होता है, ग्रेविटी और मध्याकर्षण क्या होता है, पृथ्वी जो पृथ्वी ही नहीं हर चीज, हर चीज यानी इस चाबी और इसके बीच में भी ग्रेविटी है, जिस भी चीज के अंदर एटम्स भरे हैं, मैटर है, उनमें ग्रेविटी है, ठीक है, पृथ्वी नहीं हर चीज, बस इन लोगों का बस क्योंकि बहुत छोटे हैं तो ग्रेविटी कम है, जितना बड़ा चीज होगा उतना ज्यादा ग्रेविटी होगा, हम लोगों के बीच में भी ग्रेविटी है, ठीक है, बस ये कि हम छोटे हैं तो नहीं, अर्थ उतना बड़ा है इसलिए उसका ग्रेविटी हमको महसूस होता है, ठीक है, और ग्रेविटी के बिना यूनिवर्स नहीं होता हमारा, सबसे पहले तो बात ये आ जाती है, क्योंकि कुछ भी चीज चाहे आप एटमॉस्फेयर का बात करते हैं, जैसे अर्थ का मैंने आपको बताया था पृथ्वी के आसपास एक गैस जो हवा है, जो हमारी एक कंबल सा है, ऑक्सीजन है, उसमें ग्रेविटी नहीं होता तो वो हवा सब ऐसे स्पेस में उड़ जाती, ग्रेविटी की वजह से ही वो टिका हुआ है और हम जिंदा है, ठीक है, एक ये बात हो गया। उसके बाद स्टार्स प्लैनेट्स कैसे बने वो भी ग्रेविटी की वजह से, जैसे पिछले बार एक फोटो दिखाया था उन्होंने आपको, बहुत हाँ क्लाउड्स था उसमें, गैस का क्लाउड्स था, कहाँ गया वो फोटो, याद है? हाँ सर। नहीं सर, अच्छा ये फोटो जैसे ये, हाँ ये, ये बेसिकली गैस है ना, ये गैस में क्या होता है, छोटा छोटा एटम होता है, हाइड्रोजन हीलियम ये सब, तो क्या होता है ग्रेविटी उन सबको धीरे धीरे ऐसे जोड़ती है, ठीक है, आसपास लाती है गैस को और उससे स्टार्स बन जाते हैं, वैसी स्टार्स के ग्रेविटी से प्लैनेट्स जो आसपास के पत्थर होते हैं वो जुड़ने लग जाते हैं और प्लैनेट बन जाता है, और अर्थ के आसपास जो मून घूमता है या फिर सन के आसपास जो प्लैनेट्स घूमते हैं वो भी ग्रेविटी की वजह से, अगर सन का ग्रेविटी नहीं होगा तो क्या होगा, प्लैनेट्स इधर उधर चले जाएगा, अर्थ यहां चले जाएगा, वीनस यहां चले जाएगा, ग्रेविटी की वजह से वो सब टिका हुआ है ना, ठीक है, तो ग्रेविटी। अच्छा वापस एडविन हबल पे आते हैं, हबल एक साइंटिस्ट था, एडविन हबल, ठीक है, तो एडविन हबल ने ये देखा कि यूनिवर्स जो हमारा है एक्सपैंड हो रहा है, एक्सपैंड का मतलब बड़ा हो रहा है, एक्सपैंड EXPANDE, ठीक है, तो वही मान लीजिए जैसे हाँ वो मैंने आपको बताया था ना, अगर बलून है फुला रहे उसको बड़ा कर रहे हैं, उसपे दो डॉट बना दिया, तो जैसे जैसे बड़ा होगा क्या होगा, डॉट दूर होने लग जाएंगे ना, जैसे एक ये बलून यहाँ पर इतना बलून आया, यहाँ पे दो डॉट आपने यहाँ बना दिया, अगर वो बलून को थोड़ा और बड़ा बना दे तो ये डॉट यहाँ चल जाएगा, ये डॉट यहाँ चल जाएगा, है ना। तो एडविन हबल ने टेलीस्कोप बनाया एक बड़ा सा, और उन्होंने देखा कि गैलेक्सी जो हमारी है ना वो एक दूसरे से दूर जा रही है, हर गैलेक्सी एक दूसरे से दूर जा रही है, मिल्की वे अगर यहाँ है तो दूसरा गैलेक्सी दोनों मिल्की वे भी हिल रहा है, ठीक है, सब दूर जा रहे हैं, तो बेसिकली अगर ये यूनिवर्स मान लीजिए आप बलून को और इसको भी यूनिवर्स मान लीजिए तो ये गैलेक्सी है, ठीक है,
तो अभी गैलेक्सी यहां है, एक साल बाद शायद ये गैलेक्सी इधर हो जाए। तो वैसे ही अगर एक साल पहले, इसका मतलब क्या हो, एक साल पहले अगर बलून थोड़ा छोटा था तो गैलेक्सी थोड़ा और पास थे, है ना। वैसे ही कुछ साल और पहले बलून अगर इतना छोटा था तो गैलेक्सी और पास थे, इतने पास थे, ठीक है। तो एडविन हबल ने यहां से अगर मान लो 1920 में उसने ऐसे देखा, 1920s में, कि यूनिवर्स अगर यहां से ऐसे बढ़ते जा रहा है, तो उन्होंने फिर कैलकुलेशंस किया, दिमाग लगाया, तो उससे पहले क्या हुआ, अगर आगे बढ़ते बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, तो पहले क्या था। तो अगर हर चीज बढ़ते जा रही है तो पहले यानी कि छोटा था ना सब कुछ, तो उन्होंने ऐसे ऐसे करते 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 एक पॉइंट उन्होंने, और भी साइंटिस्ट बाद में, और भी साइंटिस्ट ने इस पे काम किया, कि एक पॉइंट ऐसा था जब सब कुछ ये छोटा छोटा होते हुए छोटा होते हुए छोटा होते हुए एक ऐसा पॉइंट से सब शुरू हुआ, एक सिंगल पॉइंट से, ठीक है। और ये पॉइंट का हमारे यूनिवर्स का जन्म मानते हैं, इस पॉइंट को अराउंड 13.8 बिलियन साल पहले, ठीक है। तो हमारा यूनिवर्स जो सब कुछ है वो बस 13 बिलियन साल पुराना है, उससे पहले कुछ नहीं था, ठीक है। और यहीं पे हमारा साइंस खत्म हो जाता है। इससे पहले क्या है, कुछ भी साइंस हवाई चीजों पे तो नहीं होता ना, साइंस तो ऐसा इमेजिनेशन से नहीं चलता है ना, आर्ट इमेजिनेशन से चलता है। साइंस क्या करता है, कुछ भी एटम लेते हैं, मैटर लेते हैं, या एनर्जी या ऊर्जा, उस चीज को आप लेते हैं और उसका पढ़ाई करते हैं, जांच करते हैं, वहां से साइंस आता है ना। लेकिन इस पॉइंट के पहले ना एनर्जी है ना मैटर है, तो आप क्या किस चीज को पढ़ेंगे, कुछ नहीं। तो इसीलिए हमारा साइंस भी इस पॉइंट पे खत्म हो जाता है, ठीक है, ये जो जन्म का पॉइंट है यूनिवर्स के। और यहीं पे हमारा टाइम भी रुक जाता है, क्योंकि टाइम भी क्या लाइट से जुड़ा है ना, लाइट से जुड़ा है, सन कैसे घूमता है, अर्थ कैसे घूमता है, तो इससे पहले हमारा टाइम भी नहीं है, ठीक है। तो 13.8 बिलियन साल पहले क्या हुआ, हमको ये साइंस ये पता लगा लिया क्या हुआ, लेकिन क्यों हुआ कैसे हुआ ये जवाब नहीं है, क्योंकि फिर से वही बात, इससे पहले कुछ था ही नहीं, तो इससे पहले का आप कैसे पढ़ोगे, है ना, कुछ है नहीं। तो जैसे यहां पे फिर से अब जैसे वो फ्लैट अर्थ का बात होता, तब जैसे रिलीजन को साइंस ने मान लीजिए थोड़ा हरा दिया ना, बोला कि नहीं रिलीजन तुम गलत हो, लेकिन अब क्या हो रहा है, यहां पे साइंस बंद हो गया है, तो अब शायद रिलीजन वापिस आता है, धर्म वापिस आता है, क्योंकि धर्म क्या बोलता है कि एक बहुत बड़ा ऊर्जा थी भगवान का जिन्होंने यूनिवर्स को बनाया। अब अगर साइंटिस्ट को पता ही नहीं है कि ये चीज ठीक है, उनको पता है इसके बाद क्या, इससे पहले बना कैसे, तो हो सकता है शायद सही में भगवान है कोई जिन्होंने ये बनाया है ना, हो सकता है। तो ये तो अब इस पॉइंट पे आते हैं, तो इस पॉइंट में क्या हुआ, एक छोटा सा पॉइंट है, सब कुछ जो इतना बाद से आया वो सब इस पॉइंट की वजह से, सब जितना भी यूनिवर्स में एनर्जी है एटम है वो इस पॉइंट से शुरू हुआ है इतने साल पहले, ठीक है। तो अब जैसे आप लड़का लोग आपने देखा है यहाँ सरस्वती पूजा का वो बना रहे हैं, आइडल बना रहे हैं, तो इसमें मिट्टी लोग है, जो मिट्टी जो होता है एक छोटा सा प्लास्टिक बॉल, टेबल टेनिस का बॉल देखा है, हाँ छोटा सा इतना सा बॉल लो प्लास्टिक का, उसमें एक छेद बना लो और उसमें आप मिट्टी भरते रहो, ठीक है, मिट्टी भरते रहो, थोड़े टाइम बाद और नहीं भर पाओगे ना मिट्टी, है ना, बंद हो जाएगा वो, ठीक है। फिर आप एक पंप ले आओ, उसमें मिट्टी भरो और पंप से भरते जाओ, उस बॉल में भरते रहो भरते रहो, थोड़े टाइम बाद क्या होगा, फट जाएगा। तो वही ये जो हमारे यूनिवर्स के जन्म का जो थ्योरी है इसको क्या बोलते हैं, बिग बैंग, बड़ा धमाका, पटाखा उड़ाते तो क्या होता है, धमाका होता है ना। तो वही साइंटिस्ट का ये मानना है कि बहुत जब इतने साल पहले ये जो पॉइंट था उसपे इतनी ऊर्जा थी, इतना प्रेशर था कि फिर वो फट गया और एकदम से इस पॉइंट से, इतने से पॉइंट से वो इतना बड़ा होने लग गया और धीरे धीरे हमारा अभी का यूनिवर्स बन गया और अभी भी बड़ा होते जा रहा है ना। एक फोटो दिखाता हूं, उससे थोड़ा और क्लियर होगा। ये अब जैसे मैंने बताया था ये जो पॉइंट है वो यहां से शुरू हो रहा है, इससे पहले कुछ भी नहीं है ना, क्योंकि हमको नहीं पता है, ठीक है, क्या वो बता रहा है कुछ, ये बता रहा है कुछ, नहीं नहीं ये टेडी बेयर कुछ बोल रहा है क्या, लेके बैठा उसको, ठीक है, यहां से शुरू हो रहा है ना। उसके बाद क्या हुआ, एकदम से देखो इस पॉइंट से वो इतना बड़ा हो गया, उसके बाद और तब से बड़ा होते जा रहा है
इस पॉइंट में अर्थ एक बहुत कहीं छोटा कुछ, ये 13.7 बिलियन ईयर यहाँ लिखा है ना, इतना टाइम लगा है यहाँ से शुरू होने में। तो सबसे पहले क्या हुआ, इतना बड़ा हो गया, उसके बाद धीरे धीरे स्टार्स बनने लगे, गैलेक्सी बनने लगे, ये सब आना। यहाँ पे कहीं अराउंड 4.7 बिलियन ईयर्स पहले फिर सन और अर्थ बन गया, ठीक है। अब एक इसका वीडियो देखते हैं, उससे फाइनली क्लियर होगा, ठीक है। वीडियो देखेंगे कि ये बना कैसे। ठीक है, वो अच्छा कर दिया, ठीक है। ये तो बेसिकली ये पॉइंट है अभी, ठीक है। 14 बिलियन साल पहले, ठीक है, 13 बिलियन साल पहले। जितना भी जो जानवर वानवर जितना ही बनेगा सब इसी के अंदर है अभी एक तरह से, ठीक है। क्षमता है ना वो बनने की। बिग बैंग हट गया, ये तो अभी ऐसे ही वो दिखा रहा है, ठीक है। ये असल में ऐसा नहीं है, असल में क्या है, बस ऊर्जा और एटम्स। इतने से पॉइंट से इतना बड़ा हो गया, गैलेक्सी जितना बढ़ गया, ये सब ऊर्जा निकल रही एनर्जी। सब कुछ एनर्जी से ही बना है, एटम्स एनर्जी से बना है। ये जो पहला एनर्जी इस चीज से फट के निकला है, सब कुछ उसी एनर्जी से बना है, ठीक है। और वही एनर्जी अभी भी जो आप खाना खा रहे हैं, एनर्जी उसी से लेते हैं ना, वो एनर्जी भी वहीं से आई है। गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं, वो एनर्जी भी यहीं से आई है, शुरुआत के पॉइंट से। क्योंकि जो गैस डाल रहे कार्बन से बनता है ना पेट्रोल, ये सब कार्बन भी वहीं से शुरुआत से आया ना, कुछ भी नया हम नहीं बनाया, सब वहीं से आया है। कुछ 4 लाख साल खत्म हो गया अभी, ठीक है। 4 लाख साल बाद कर रहा था बैंक बिग बैंग के बाद पहला एटम बन गया हाइड्रोजन। क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्वार्क सबसे पहले आया था ना, उसके बाद जुड़ के एटम बन गया। और हर चीज सब कुछ जैसे मैंने बताया एटम से बना है ना, हाँ इलेक्ट्रॉन आसपास घूम रहा है ना एटम न्यूक्लियस के। और सबसे पहला कौन सा एटम बना था, हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन, दो एटम हाइड्रोजन ऐसे टकराते हैं तो क्या बन जाता है, हीलियम। दो एटम जुड़ जाते हैं ना, दो प्रोटॉन सिंग, एक प्रोटॉन हाइड्रोजन, एक प्रोटॉन हाइड्रोजन, दोनों जुड़ गए, दो प्रोटॉन का क्या बना, हीलियम। और वैसे और भी एलिमेंट ऐसे ही बने, हीलियम दो हीलियम एक हीलियम एक हाइड्रोजन जुड़ गया, क्या बनेगा, तीन प्रोटॉन हो गया है ना। वैसे ही कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन सब बना। और ये सब क्या हुआ, तारों के अंदर बना, स्टार्स के अंदर, क्योंकि किसी भी दो एटम को जोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए और वो एनर्जी बस तारों के अंदर है, तो तारों के अंदर बनता है। अभी बता ये सब धीरे धीरे गैलेक्सी और तारे बन रहे हैं। ये बताए सब कुछ वहीं से आया है ना धीरे धीरे, जो गाड़ी वाड़ी लोहा जो बना रहे हैं वो भी तभी से आया है, एटम से आया है। सब कुछ एटम से बना है, उन शहरों से लेकर डेजर्ट तक।
जो मैंने बताया था जो तारे गैसेस है तारे धीरे धीरे ग्रेविटी से आसपास आ रहे हैं और तारे बन रहे हैं ग्रेविटी सब एटम्स को खींच रहा है पास पास और तारे बन रहे हैं हाइड्रोजन हीलियम बन रहा है हीलियम बन रहा है हाइड्रोजन दो जुड़ के हीलियम और ये तारा बन गया तो बेसिकली जो आप तारे देखते हैं उसके अंदर क्या हो रहा है ऐसे ही रोज सन के अंदर हाइड्रोजन एटम्स जुड़ के हीलियम बना रहे हैं और खूब सारा ऊर्जा निकलता है वही ऊर्जा हम तक पहुंच रहा है लाइट और जो गर्मी है पहुंच रही है अभी प्लैनेट्स नहीं बने बस तारे बने गैस है ये और तारे गैस 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 के बादल तो अभी भी जो भी आप सन को देखते हैं ना उसके अंदर हाइड्रोजन एटम्स जुड़ रहे हैं वही गर्मी और वही लाइट आपको पहुंच गई जो उस रिएक्शन से निकल सकते कार्बन आयरन सब इन तारों के अंदर बना है क्योंकि बहुत किसी भी दो एटम को जोड़ने के लिए ना बहुत एनर्जी चाहिए और वो एनर्जी बस तारों के अंदर होती है दो तारों के अंदर ये सब बनने लगे कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्या है आयरन उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है तारों का जो हाइड्रोजन अगर खत्म होने लगे हाइड्रोजन आइटम खत्म होने लगे तो जैसे गाड़ी पेट्रोल पे चलती है हम लोग खाने पे चलते हैं तारे किस चीज पे चलते हैं हाइड्रोजन आइटम्स पे तो धीरे धीरे वो खत्म होने लग गया तो क्या होता है तारा पेट्रोल खत्म हो गया तारे का ना एक आग जलाने के लिए भी लकड़ी डालते हैं ना तो धीरे धीरे वो तारा मरने लग जाता है और जब मरने लग जाता है क्या होता है पेट्रोल खत्म हो गया तो वो और नहीं फट सकता और बड़ा नहीं हो सकता वो बस क्या होगा धीरे धीरे ग्रेविटी उसको अपने अंदर खींचते रहेगी और फिर क्या होगा वो फट जाएगा उसको क्या बोलते हैं सुपरनोवा जब तारा फट जाता है उसको बोलते हैं सुपरनोवा और सुपरनोवा से क्या हुआ जितना भी जो एलिमेंट्स जो बना है हाइड्रोजन हीलियम लिथियम कार्बन नाइट्रोजन आयरन ये सब जो बना है ना आपके अंदर वो यूनिवर्स में फैल गया ना क्योंकि जब फिर से एक धमाका हुआ है बड़ा सा तो क्या हुआ ये सब फिर फैल गया और इन्हीं फिर एलिमेंट्स से फिर क्या है प्लैनेट्स बने धीरे धीरे जो पत्थर एलिमेंट में बना है प्लैनेट पत्थर गैस से तो नहीं बन सकता ना हाइड्रोजन से गैस हाइड्रोजन से प्लैनेट नहीं बनता है पीरियोडिक टेबल सब एलिमेंट्स बन गया है धीरे धीरे ऐसे तारे जन्म लेते हैं मरते हैं एलिमेंट्स बनाते हैं फिर से मर जन्म लेते हैं और एलिमेंट्स बनाते हैं मरते हैं चलते रहते हैं तो बेसिकली इवन जो अभी आपके अंदर जो आयरन है आपको पता है ना खून के अंदर भी आयरन होता है हमारे खून के अंदर आयरन होता है तो वो सब आयरन ही यहीं से आया तारों से तो बेसिकली हम और तारे भी हम तारों से ही बने एक तरह से ना स्किन आपका कार्बन से बना है ऑक्सीजन जो आप सांस लेते हैं वो सब तारों से आया है कार्बन और भी कई चीजों से बना है एलिमेंट से बना है ना कार्बन ऑर्गेनिक बस कार्बन एक कंपाउंड से बना है कार्बन कंपाउंड से कार्बन और भी एलिमेंट्स के साथ जुड़ता है उससे बना है ऑक्सीजन जो आप सांस लेते हैं वो स्टार्स से आया सब कुछ स्टार्स से आया तो जैसे बेसिकली हम बता रहे हैं जैसे घर बनाते हैं ना घर बनाने के लिए आपको अलग अलग और एलिमेंट चाहिए होगा तो वैसे ही पृथ्वी को बनाने के लिए हमको अलग अलग एलिमेंट चाहिए थे वो तारों ने बना के दिया हमको
तो इस चीज को 8 बिलियन साल लगा, ठीक है, ये धीरे धीरे हर एलिमेंट को बनने में 8 बिलियन साल तक चलते रहे, तारे जन्म लिए तारे मरे, तारे जन्म लिए तारे मरे, सब एलिमेंट धीरे धीरे जो 100 एलिमेंट्स आप देखते हैं वो बन गए इससे, 8 बिलियन साल लगा। बिलियन साल पहले सन, 4.6 बिलियन साल पहले हम से। जितना भी गैस और पत्थर थे उसने अपने अंदर ग्रेविटी से बटोर लिया, ठीक है, सब ग्रेविटी से हो रही है, गैस एटम जो ऐसे रहते हैं बादलों में उनको ग्रेविटी खींच लेता है, और ये अर्थ शुरुआत में अर्थ ऐसा था बिल्कुल बस आग था, हाँ लावा बस और कुछ नहीं था, ठीक है चलो अर्थ का अगले से बार अभी पीरियड खत्म हो गया, अगली बार अर्थ करते हैं अर्थ कैसे था? चलते रहते थे वो, मेरे को वो सब नहीं करना है, वहां पे टीचर्स के साथ